हेलो जी, डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जी बोल रहे हैं जी। जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जनता जनार्दन मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। जी, धन्यवाद जी। जैसा कि जानकारी हो कि आप माँ खंडवारी ग्रुप चनिया चंदौली के निदेशक भी हैं, और सूत्रों के हवाले से ये भी सूचनाएं आ रही है कि आप प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं, क्योंकि प्रमुख पद के प्रत्याशी होने के साथ साथ वहाँ पे जो सीट है वो सामान्य सीट है चनिया में। तो सबसे पहले आपको बधाई। जी जी, धन्यवाद। आप चुनाव ब्लॉक प्रमुख का लड़ने वाले हैं, ऐसा जानकारी है, क्या यह सही है? जी, हमारे लोगों द्वारा निर्णय लिया गया है कि जनता के सम्मान में अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग इस जनता गंदी राजनीति से छुटकारा देने के लिए जनता को हम लोग राजनीति में सुधारात्मक रवैया अपनाना चाहते हैं और राजनीति में आकर गंदे लोगों से जनता को बचाना चाहते हैं। आपका मुख्य चुनावी एजेंडा क्या है, चुनाव आप लड़ रहे हैं इसमें? आप जैसा देखते हैं कि इन सभी चुनाव में, जिसमें जैसे ब्लॉक प्रमुख हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, इसमें बाहुबली और धनबली लोग आते हैं और चुनाव जीतने के बाद सिर्फ अपना पैसा कमाना और अपने ही लिए सिर्फ सारा काम करते हैं, वो जनता के लिए कुछ करते ही नहीं है। इसलिए जनता चाहती है कि अब अच्छे लोग शिक्षाविद हों, जैसे जैसे डॉक्टर हों, जैसे जो पढ़े लिखे लोग हों या जो ईमानदार लोग हों, वैसे लोग आए और अच्छा काम करें। शिक्षा जगत में आपने डॉक्टरेट पूरा किया है जी, आप PhD हैं शिक्षा जगत में, आप माँ खंडवारी ग्रुप चहनिया के निदेशक है, जो उत्कृष्ट अपने आप में शिक्षण संस्थान माना जाता है। तो शिक्षा जगत को छोड़ करके ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना कितना सही है, कितना मायने इसको रखता है और क्यों? इसलिए सही है कि लोग यही सोचते हैं कि हम शिक्षाविद हैं, हम डॉक्टर हैं, हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो राजनीति हमारे लिए नहीं बनी है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि राजनीति में आप नहीं आएंगे तो एक गलत लोगों का अड्डा बना है और बना ही रहेगा। तो इसमें यदि आप चाहते हैं कि राजनीति अच्छी हो, देश का विकास हो, आपके क्षेत्र का विकास हो, तो आपको आना ही पड़ेगा और पहल करनी ही पड़ेगी। और कब तक हम इन बाहुबलियों के आगे डर के छिपे रहेंगे और राजनीति से दूरी बनाए रखेंगे और इसका फायदा ये लोग हमेशा उठाते रहेंगे। लेकिन इसको भी नहीं नकारा जा सकता कि जो चुनाव है वो धन बल और बाहुबल का है, तो इसमें आप कैसे सटीक बैठेंगे? इसमें धन बल और बाहुबल को कैसे आप तोड़ेंगे, इस कड़ी को कैसे तोड़ेंगे आप, अन्य प्रत्याशी जो आपके सामने आएंगे? आपने पिछले विगत वर्षों में देखा है कि कई जगहों पे कई बाहुबली चुनाव हार चुके हैं, जबकि उनके पास सब कुछ था, धन बल था, बाहुबल था, लेकिन जनता ने उनको सिरे से खारिज कर दिया। तो हम भी कोशिश करेंगे, जनता को खुश करने की कोशिश करेंगे, जनता को हम उनको बताएंगे कि हम आपके लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं और बाकी लोग कैसे अनुपयोगी हो सकते हैं। चहनिया ब्लॉक में ऐसे कौन से कार्य हैं जो अब तक के ब्लॉक प्रमुख नहीं कर पाए, वह आप करेंगे ब्लॉक प्रमुख पद बनते ही? चहनिया ब्लॉक में आप चहनिया बाजार की ही बात करें, जहाँ पे प्रतिदिन नाली बहती रहती है और उसका कोई उपाय आज तक नहीं कर पाया, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, या ब्लॉक प्रमुख हो, या विधायक हो। तो जब चहनिया ब्लॉक का मुख्यालय ही नालियों से गंदा है, वहाँ पानिया बह रहा है, वहाँ बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो चहनिया के जो बाकी के गांव है वहाँ की स्थिति और खराब है। जहाँ पे न रोड है, यहाँ तक कि न नालियाँ हैं गाँव में, न खड़ंजे बिछे हुए हैं, न इंटरलॉकिंग बिछ रहा है, कहीं कहीं RCC बिछा भी हुआ है तो इतना लो क्वालिटी का लगाया गया है कि वो बहुत जल्दी टूट जाता है। हमारे कॉलेज के बाहर खुद प्रमुख जी द्वारा RCC लगवाया गया था, लेकिन RCC वो एक या दो साल में ही टूट के निकल गया। तो ऐसे कार्य में कमीशन खोरी में देश का या क्षेत्र का विकास नहीं होने वाला। क्षेत्र का विकास जब भी होगा तो ईमानदारी से होगा और ईमानदार लोगों द्वारा ही होगा। पॉलिटिकल गुरु जो है आप अपना किसे मानते हैं? मेरा पॉलिटिकल गुरु मेरे पिताजी हैं, मैं उनके कदमों पे चलने का प्रयास करता हूं, उनके द्वारा सिखाए गए रास्तों पर ही चलता हूं। पिताजी का नाम? जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह, जो प्रबंधक है माँ खंडवारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चहनिया चंदौली के। और आप अपने मतदाताओं से और क्या कहना चाहते हैं? आप ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव लड़ने वाले हैं और शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं आप,
और लोग आपको जानते हैं भी हैं, ऐसी कौन सी बात है जो लोग आपको नहीं जानते हैं, आशुतोष सिंह जी के बारे में नहीं जानते हैं और आप बतलाना चाहते हो उन्हें? जी, मेरे बारे में लगभग मेरा पूरा क्षेत्र जानता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कितना शांति प्रिय व्यक्ति हूँ, मैं सादगी से जीने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बनावट या कोई भी दिखावापन नहीं है, ये पूरा क्षेत्र जानता है। और मैं पूरे क्षेत्र से यही उम्मीद करता हूँ कि आपने हमेशा से बाहरी लोगों और बाहुबलियों को ही वोट देकर यहाँ पे प्रमुख पदों पर बैठाया है, परंतु आप उसका परिणाम देखे हैं कि उससे न क्षेत्र का विकास हुआ, न आपका ही कोई विकास हो पाया। अतः इस चुनाव में अब आप अपना दिमाग चेंज करिए। आप कुछ पैसों के लिए यदि किसी बाहुबली या किसी गलत कार्य में लिप्त व्यक्ति को वोट देते हैं तो उससे क्षेत्र का हमेशा विनाश ही होता है, क्योंकि वो व्यक्ति पैसा देने के बाद खुद पैसा कमाना चाहता है, न कि क्षेत्र का विकास करना चाहता है। तो आप अपने विचारों को बदलें और एक चाहे जो भी चुनाव हो, चाहे प्रधान का हो, चाहे प्रमुख का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे विधायक का हो, अच्छे व्यक्तियों को लाएं और पैसे और दारू पे न बिके। वर्तमान में आप राजनीति के किस पद पर आसीन हैं? जी, मैं कांग्रेस में, युवा कांग्रेस में प्रदेश सचिव हूँ। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस आपको समर्थन करेगी, आपको टिकट का दावेदार रूप में ब्लॉक प्रमुख की पद पे मानेगी, या कोई और भी पार्टियां हैं जो आपको सपोर्ट करने वाली? हमको कांग्रेस भी समर्थन कर रही है और जहां तक क्षेत्रीय पार्टियों की भी बात है, क्षेत्रीय पार्टियां मुझे सपोर्ट कर रही हैं अभी तक, क्योंकि किसी ने हमारे खिलाफ कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है जी, और उम्मीद है कि पूरा क्षेत्र हमारा इस बार साथ देने वाला है, क्योंकि उनको एक अच्छा लीडर चाहिए, एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए। आप किसे टक्कर मानते हैं अपने प्रतिद्वंदी के रूप में राजनीति में, किसे टक्कर मानते हैं चुनाव वर्तमान में? वर्तमान में अभी 3-4 लोगों का नाम आ रहा है जो कि यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, उन्हीं लोगों से माना जा सकता है कि टक्कर होगा। जी, डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनता जनार्दन मीडिया से बातचीत करने के लिए।